बड़ा कदम लिया, इतना बड़ा पहल किया कि बिहार के हर बच्चे को, हर खिलाड़ी को, हर जनप्रतिनिधि को और जितने भी खेल प्रेमी आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं, सबके मन का एक जो सपना था आज धरातल को उतर रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खेल प्राधिकरण को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया और हम सभी लोगों को ये मौका दिया और आज हम सब मौजूद हैं कि खेल को हम किस तरह से आगे लेकर बढ़ सकते हैं। सर अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इतना कोई रोमांचक सफ़र नहीं था। हमारे दादाजी स्वर्गीय कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनके गुजर जाने के बाद हमारे पिता ने यह दायित्व संभाला। एक सांसद होने के साथ साथ खेल प्रेमी के नाते निशानेबाजी को और निशानेबाजी के सभी बच्चों को, जैसे अभी आदरणीय शगुन चौधरी जी आप लोगों के बीच में बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने हर शूटर को हर लेवल पे सपोर्ट करने का काम किया। तो जब हम पैदा ही ऐसे घर में हुए थे तो नेचुरली मन ही मन में शूटिंग के प्रति, खेल के प्रति एक प्रेम था, एक भाव था। और सच आप लोगों के बीच बता सकते हैं, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसीलिए जब हम स्कूल में थे तो हमारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। हम क्लासरूम में बैठ कर भी खिड़की के बाहर खेल के मैदान को देखते रहते थे कि कब पी का वो पीरियड आएगा और हम बाहर जाके खेलेंगे। सो इसीलिए हमने निशानेबाजी शुरू की क्योंकि परिवार में भी लोग थे और हमारा भी मन किया कि अपने दादाजी और अपने पिता का काम आगे बढ़ाएं। और आज जब हम धोगढ़ सेंटर की बात करते हैं तो वो हमारे पिताजी का ही एक सपना था कि जमुई में, धोगढ़ में एक ऐसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर मिले जहाँ पर बच्चे वहाँ बिहार के बच्चे आकर खेल सके, उनको सही खाने का, सही पोषण की जानकारी मिले, एक छत के नीचे रह के कॉम्पिटिटिव हेल्थी नेचर में बिहार का नाम आगे बढ़ा सके, भारत का नाम आगे बढ़ा सके। सर सब लोग टैलेंट स्काउटिंग, नर्चरिंग और रिटेंशन की बात करते हैं। हम पीछे की तरफ से शुरू करते हैं। टैलेंट रिटेंशन की अगर हम पहले बात करें तो मुझे लगता है, और ये मैंने महसूस भी किया है और मेरे साथ हर एक ऐसा खिलाड़ी जो बिहार और भारत के लिए खेलता है ये महसूस करेगा कि खिलाड़ी अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहता है। वो सिर्फ एक झंडे को लहराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा तिरंगा लहराएगा और किस दिन हम गर्व से कहेंगे कि भारत के लिए जीते हैं। और एक स्टेट के नाते, क्योंकि आज हम सरकार के साथ भी हैं, पूर्व में ऐसे खिलाड़ी भी रह चुके हैं जिसने खुद इस बात को देखा है, गहराई से पहचाना है और अक्सर आपके सामने अनेक लोग हमको यहाँ पहले से जानते हैं, आप लोगों के बीच में हमने ये बात रखी भी है कि जब बिहार सरकार की नजर खेल की तरफ नहीं थी और जब 2014 में हम ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से, राष्ट्रमंडल खेलों से जब जीत कर आए थे तो बिहार सरकार की तरफ से हमें एक शुभकामना संदेश या फूलों का गुलदस्ता ये भी नहीं आया था, लेकिन वही बिहार सरकार है और आज भी हम बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वही बिहार सरकार है कि जब 2018 में हम स्वर्ण पदक जीत कर आए और जब माननीय मुख्यमंत्री का और अन्य सभी कैबिनेट के मंत्रियों का खेल पर ध्यान आकृष्ट हो चुका था तो क्या जोरों शोरों से हमारा स्वागत भी हुआ, बड़ा खेल सम्मान राशि भी मिला और ऐसे लग रहा था कि बिहार में चारों तरफ एक त्योहार मन रहा है, एक उत्सव मन रहा है कि बिहार की बेटी स्वर्ण पदक जीत कर आई। सर ये जो सम्मान है, ये चाहे आप ग्रेड वन ऑफिसर के रूप में किसी को दें या एक बड़ा खेल सम्मान राशि, जिस तरह से सर अभी हम लोगों के बीच में बता रहे थे कि हरियाणा पंजाब से मैच करके क्यों ना हम बिहार को भी उतना ही, बिहार के खिलाड़ियों को भी उतना ही कैश अवार्ड दें। अगर हम कोचेस की बात करें तो जिस तरह से कोचेस आगे बढ़ते हैं, स्टेट लेवल है, अपने शूटर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, अपने एथलीट्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो नेचुरली कोचेस को भी इंसेंटिव देना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी में भी ये रूल है कि जब एथलीट्स किसी भी खेल स्पर्धा से जब जीत कर आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, तो वही खेल सम्मान राशि केंद्र सरकार से कोचेस को भी मिलती है जो एथलीट्स को मिलती है।
सिमिलरली सर, अगर अभी हम सब लोग नर्चरिंग की बात करें, कोचेस तो हर वक्त चेंज होंगे. हम जब जब स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं, हम जोनल खेलते हैं, स्टेट चैंपियनशिप खेलते हैं, प्री नेशनल खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, और इन सभी कोचेस को हमें एक समय तक ट्रेन करना होता है, और वो कोचेस हमें हमको एक मुकाम तक पहुंचाकर उन्हें छोड़ना भी पड़ता है. और ये दोनों ही तरफ से बहुत मैं दुखद पल नहीं कहूँगी, लेकिन ये पल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो एक एथलीट और कोच का जो रिश्ता होता है वो मुझे लगता है कि कहीं माँ बाप से भी बढ़कर बन जाता है. और हमारी संस्कृति भी कुछ यही हमें सिखाती है. गुरु का आदर सम्मान हर एक खिलाड़ी के लिए सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है. और जब जब हम एक कोच को छोड़ते हैं तो कभी भी खिलाड़ी के मन में ये नहीं रहता है कि हम किसी को छोड़ रहे हैं. हमेशा उनके मन में ये रहता है कि आपने जहाँ तक हमारा हाथ पकड़ के हमें पहुँचा है, हम उससे आगे भी जाएंगे और वहाँ खड़े होकर भी आपका नाम जरूर लेंगे. तो आज मौका मिला है तो आप सब लोगों के बीच और इस मंच से अपने सभी कोचेस का नाम लेना चाहेंगे, उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि आज भी चाहे हम अर्चना अवॉर्डी हों या एक विधायक हों, हमारे सबसे पहले कोच आदरणीय पूर्व खेल मंत्री केंद्र सरकार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे. ये हमारा सौभाग्य था कि इतने बड़े कोच के अंदर हमें अपने पहली प्रशिक्षण मिली. जब उनके पास समय नहीं था, वो हमें आगे नहीं ले जा पा रहे थे, वो खुद उस वक्त शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे अगले कोच पीएस सोनी साहब ने, पीएस अंकल ने हमें हाथ पकड़कर हमारे पहले कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप तक लेकर गए. हम भारत की पहली महिला बने जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीता, नेशनल रिकॉर्ड बनाया. सर पीएस अंकल जहां तक ले जा सकते थे, उसके बाद हमारे एक इटालियन कोच आए, मार्चेलो ड्राघी. उन्होंने हमारा राष्ट्रमंडल खेलों का पहला पदक और भारत का शॉटगन की स्पर्धा में जो पहला पदक था, ये उन्होंने लाकर भारत को दिया हमारे थ्रू. मार्चेलो ड्राघी से बढ़कर जब हमें लगा कि नहीं, आगे और कोचेस को देखना चाहिए, रजत पदक जीत गए हैं. पापा का भी सपना था, बिहार का सपना था, रजत से कौन खुश हो सकता है, तो सपना तो स्वर्ण का देखा होगा. तो वो सोचकर जब हम आगे बढ़े तो चार बार ओलंपियन रह चुके हैं, सीनियर शूटर हैं मनशेर सिंह, हमने उनके साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की. सौभाग्य से वो भी अर्जुना अवॉर्डी है. और 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल का जो जो गोल्ड मेडल आया वो उनकी श्रेणी में जाता है. सर वहां से आगे बढ़े तो फिर एक वर्ल्ड चैंपियन कोच आए, डैनियल डिस्पिनो, इटली से हैं. और आज जब नेशनल टीम के साथ खेलने गए इटली, तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रसल मार्क से, जो स्वयं ना सिर्फ ओलंपियन है, ना सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी है. तो हर स्टेज पे एक एथलीट के साथ एक कोच बदला, लेकिन जो पुराने कोचेस थे वो छूटे नहीं. अभी बात हो रही थी कि शायद कुछ कोचेस अपने ईगो पे ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो क्षण अच्छा नहीं होता है, दुखद भी नहीं होता है, अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन वो एक आवश्यकता है, वो एक जरूरत है. एथलीट के साथ साथ कोचेस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा. अगर आप सक्षम नहीं है तो दूसरे कोच को हैंडओवर करना पड़ेगा, आने वाले कोच को. एथलीट्स की जो भी दिक्कतें हैं, दुविधाएं हैं, इंजरीज हैं, क्या उसके हैंडीकैप है, किस चीज में वो गलती करता है, ये सभी चीजें बतानी पड़ेंगी. ये एक सच्चे कोच का दायित्व है. और यहाँ पे मेरा एक सुझाव आता है कि जब हम खेल को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं, हो सकता है अभी सर भी कह रहे थे कि जहाँ हमारे पास 300 ऐसे कोचेज होने चाहिए जो सर्टिफाइड हैं, हमारे पास मात्र 100 भी नहीं है, तो क्यों नहीं हम हर एक अकेडमी के साथ ऐसे स्पोर्ट्स कोचेज को अटैच करें जो बिहार के लोकल हों, जो गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं, सर्टिफाइड हों, और साथ ही साथ
ऐसा टाइप करे नेशनल और इंटरनेशनल कोचेस से जो 10 दिन के लिए हफ्ते भर के लिए अपना समय निकाल के एक महीने में 10 दिन के लिए अपना समय निकाल कर अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाए। एथलीट्स को ट्रेन करने का काम तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ जो कोचेस हैं, जो बिहार के कोचेस हैं, जो शायद उस लेवल पे प्रशिक्षण नहीं दे पाए, उनको भी ट्रेनिंग दें, उनको भी सिखाएं कि खिलाड़ी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सर, जिस तरह से आज हमारे सामने सभी आदरणीय द्रोणाचार्य अवॉर्डीज बैठे हैं, हो सकता है कि जो सपना आपका है कि 2028 तक सब भारतीय दल में अधिकतर खिलाड़ी बिहार से हो सकता है कि 2028 में आते आते जब द्रोणाचार्य अवार्ड का वितरण हो तो सब कोचेज भी बिहार से हो। सर, अब आते हैं टैलेंट स्काउटिंग की बात पे। हम सब, हम जब खिलाड़ी थे, आप जब हम विधायक हैं, जब हम जनता के बीच में वोट मांगने गए थे, आप जब जनता हमारे पास लड़ाई करने आती है, शब्द वही रहा है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन सवाल एक हमेशा उठता था कि इन प्रतिभाओं को खोज कर कैसे निकालें। जिस सही प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, जिस सही अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, वो बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंचाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा सुझाव है जो शगुन चौधरी जी ने हम लोगों के साथ रखा। पहले भी सेशंस में सब लोग डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ थे नहीं, लेकिन ऑनलाइन लाइव सेशन देख रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती है। आज हम आप सभी लोगों से एक सवाल पूछते हैं। हमको आप जान रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि हम अर्जुना अवॉर्डी हैं, एमएलए हैं, हम शूटिंग करते हैं। कोई भी आप लोग बता सकते हैं कि हम कौन सी गन से शूटिंग करते हैं या मेरा इवेंट क्या है? एनीबडी प्लीज। सर, डबल ट्रैप कौन सी बंदूक से चला है? थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोगों के बीच में मात्र सिर्फ एक आदमी को पता था। सिर्फ एक आदमी को पता था कि शूटिंग, डबल ट्रैप, ट्रैप, शॉटगन जिसकी हम बात करते हैं, वो कौन सी बंदूक से चलाई जाती है। शूटिंग की तीन स्पर्धाएं हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। हम शॉटगन स्पर्धा से आते हैं। ये जागरूकता जब तक लोगों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आधारभूत संरचना नहीं मिलेगी, तो ये जागरूकता, ये अवेयरनेस, ये सवाल कि अच्छा दीदी शूटिंग तो करती है, किससे करती है, क्या करती है, किसमें मारती है, इंसान को उड़ाती है, इस तरह के सवाल के जवाब मिलेंगे। लेकिन बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए? आदरणीय रविंद्र शंकरन जी से कुछ समय पहले हमारी बात इसी टॉपिक पे हो रही थी कि टैलेंट स्काउट कैसे किया जाए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए। हमारा एक बहुत ही सिंपल सुझाव है, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बच्चों को इनवाइट कीजिए। जो ऐसे बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं, सिंपल सा फॉर्म रखिए। एज बैरियर है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कैच देम यंग, नॉट मी, हिम। तो कैच देम यंग, आपका जो एज बैरियर है 12 से 18 साल का, उसको रखिए। मैन वेमेन किस स्पोर्ट्स में, अगर वो शूटिंग है तो क्या वो राइफल चलाना चाहते हैं, पिस्टल चलाना चाहते हैं, शॉटगन चलाना चाहते हैं, उन लोगों को इन्वाइट कीजिए। बिहार में अधिकतर स्पोर्ट्स के एसोसिएशन हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, उन्हें बोलिए कि हमारा कैंप है। ऐसे नौसिखिए बच्चे आ रहे हैं जो सिर्फ खेल में रुचि रखते हैं, और वो खेल में रुचि किसी भी वजह से रख सकते हैं। हो सकता है कि वो विराट कोहली के फैन हो, हो सकता है वो कीर्ति आजाद जी के फैन हो सकता है कि उन्हें सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि हमारे आने वाले 10 साल की या 5 साल की दो टाइम की रोटी मिल जाए हमें सही से। हो सकता है कि वो किसी ग्रेड वन ऑफिसर के बनने के लालच में आए, या हो सकता है कि उनके मन में भी वो जज्बा हो कि कब हम अंतर्राष्ट्रीय आसमान में अपना तिरंगा लहराएं और भारत के लिए खेलें। तो इन सभी सवालों का जवाब तो उस एकमात्र फॉर्म में मिल जाएगा जब आप लोग उनको बोलेंगे कि हम शूटिंग के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, रोइंग के लिए, फेंसिंग के लिए आपको इन्वाइट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए, चलाइए, ट्राई योर हैंड एट इट और देखिए
हम सभी लोग, जितने लोग आज इस सभा में बैठे हैं, अक्सर अलग अलग स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में जाते हैं, वेन्यूज में जाते हैं। किसी ने नई एकेडमी शुरू की है तो हम लोग उसका उद्घाटन करने जाते हैं। शूटर्स स्पोर्ट्स मैन से इंटरैक्ट करते हैं। अक्सर ये बात निकल के आती है, हमसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे देखिए इस बच्चे ने 4 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू की और इसका ग्रुपिंग इतना अच्छा हो गया, मतलब इसका टारगेट प्रैक्टिस इतना अच्छा हो गया है। क्रिकेट के बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं अरे देखिए तो एकदम नेचुरल क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बॉलर है। आर्चरी में देखेंगे तो देखिए इसका निशाना कितना बढ़िया है। टैलेंट को आइडेंटिफाई तो एक सिर्फ माध्यम है, टैलेंट तो खुद ब खुद सामने आ जाता है। कोई हमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई गणित का इस्तेमाल नहीं करना है, टैलेंट खुद ब खुद निकल के, और यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी खासियत है कि टैलेंट निकल के आपके सामने आएगा। उस टैलेंट के साथ आप क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। उस टैलेंट को आप कैसे नर्चर करते हैं, रिटेन करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। किस तरह से वो बच्चा मेहनत कर पाता है, क्या उसमें वो जज्बा है कि नहीं, ये उस बच्चे पे निर्भर है, लेकिन टैलेंट तो दिखने लगेगा। 1 साल से शुरू करेंगे, आज हम 11 स्पोर्ट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। इस साल अगर हम 11 स्पोर्ट्स के लिए इस तरह से बच्चे आइडेंटिफाई करके अपना पूल निकाल लें, जिन बच्चों में टैलेंट है, जो 1 हफ्ता 10 दिन में ही अपना परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट दिखाने लगते हैं, उन बच्चों को एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना के अलग अलग जिलों में, अगर जमुई में शूटिंग का एक्सेलेंस है, मोतिहारी में रोइंग का एक्सेलेंस बना दिया जाए, इसी तरह से अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाकर बच्चों को वहां डाला जाए सही प्रशिक्षण के साथ। रीजनल कोचेस, बिहारी कोचेस को ले